दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 फरवरी के मौसम के हाल के बारे में। देखेंगे कि 27 फरवरी में उत्तर प्रदेश पर किस तरह का मौसम रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर है और उसकी वजह से एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। और ये बादल किस तरह से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर देखने को मिल रहे हैं और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के भागों पर हमें नजर आ रही है। आज रात्रि में कुछ भागों पर बारिश होने के भी आसार हैं। 27 फरवरी में भी कई भागों पर बादलों की आवाजाही उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिलती रहेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि 1 और 2-3 मार्च के आसपास भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, उसकी वजह से भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने के आसार हैं। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली 27 फरवरी में उत्तर प्रदेश के भागों पर किस तरह का मौसम रहेगा। यह 27 फरवरी की वेदर रिपोर्ट है। 27 फरवरी में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। शामली से लेकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली से बदायूं और झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, इटावा, जालौन, आगरा, मथुरा से हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं के कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है आज रात्रि के समय। हो सकता है जो मैं जिले बताएं, इन जिलों पर कुछ जिलों पर सिर्फ बादल ही आकर आगे बढ़ जाए, बारिश ना देखने को मिले, लेकिन कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हवाओं की गति नॉर्मल रहने के आसार हैं। किसी एक आध जिले पर कुछ समय के लिए थोड़ी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। 28 मार्च से उत्तर प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। 29 मार्च साफ रहेगा। 1 मार्च से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल आ जाएंगे। 2 मार्च में कई इलाकों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने के आसार हैं। 3 मार्च से ये बादल रहेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने के आसार है। 4 मार्च में मौसम साफ रहेगा। 5 मार्च में साफ रहेगा। 6 मार्च में भी साफ रहेगा। तो इस तरह से फिर जो मौसम है उत्तर प्रदेश का, वो आने वाली 4 मार्च से साफ हो जाएगा। तो 1 और 2-3 मार्च के दौरान उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।